सोचो अगर ऐसा डेडिकेशन सबकी जिंदगी में हो जाता तो क्या मजा आ जाता नहीं भाई। कंसीडरिंग देयर एज, रोज सुबह जल्दी उठना, वो भी चाहे ठंडो चाहे गर्मी हो, वो भी सूरज से पहले, और एक चीज डेली करना, मतलब दिस इज अमेजिंग। अपनी एज वालों को तुम सुबह उठने के लिए बोलो, वो बोले अरे पागल है, छुट्टी वाले दिन या संडे वाले दिन कौन सुबह उठता है, बेवकूफ है क्या तू, मतलब आज संडे नहीं है, लेकिन जस्ट समझ गए ना। लेकिन भाई मुझे बहुत मौत आ रही है अभी दो तीन दिन से जल्दी उठने में। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा था जब मैं रात को 1 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ गया, एक नहीं एक्चुअली 2 दिन जो बीच में हाइक पे गया था, और 6 भी नहीं सुबह 5 बजे उठ गया, तो 4 घंटे की नींद में भाई सर्वाइव नहीं होता है अपन से, तो मेरे को चाहिए एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद मिनिमम। आज भाई इच्छा तो बहुत थी रनिंग करने जाने की, लेकिन गौरांग जी जो है उनके कुछ काम में अटके हुए हैं, तो जब वो फोन नहीं करता मैं उठ जाता हूँ, बट मेरे को उठने में फिर आलस आ जाता है। तो आज मैंने सोचा भाई आज तू उठ जा, तेरी नींद हो गई है पूरी, तो तू आके योगा तो कर ले एटलीस्ट, लेकिन इसमें मजा आएगा। वैसे तुम लोग इसको पहचानते हो, ये क्या चीज है? भाई कभी कभी तो मेरी किस्मत ऐसी चल जाती है, कोई भी चीज कहीं ना कहीं से लौट के मेरे पास आ ही जाती है। ऐसा ही मेरे को डाउट था तो मेरा फोन खोया था, बट ऐसा कभी हो नहीं पाया जीवन में, बट अभी जीवन बहुत लगा, क्या पता तो फोन आ जाए ऐसे उठ के बोले चिल्लाए भाई मैं तेरा ही हूं। यार ठीक है भाई, सबको इमेजिनेशन होना हक है उनका। तो भाई मेरे को ये डाउट तो था कि गौरांग की गाड़ी में ही गिरा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे गोलू भाई साहब गाड़ी चलाते हैं उस हिसाब से ये गिरना होता तो जेब से कब का गिर चुका होता, इसलिए मैंने उसको बोला भाई चेक करियो, लेकिन 4 दिन से भाई ने बताया नहीं कि उसको मिल चुके। तो कल घर पे आया उसने लगा रखे थे, मैं देखो उसके होंगे यार, मैं कार को इतना लोड लूं, लेकिन वो मेरे फोन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैं क्या कर रहा था मेरे फोन से, तो फिर बोलता रुक ना मैं उतनी देर में देख लिया, मैंने कहा तेरे पास प्रो नहीं है, ये प्रो है, दीज आर माइन। बता उसकी गाड़ी के साइड में बॉटल होल्डर जो होता है ना उसके अंदर पड़े थे। तो भाई गौरांग आया मेरे घर पे, आज तो चश्मा चश्मा, रुक तो जाए यार, काम के लिए आओ ना, कोई व्लॉग ही हर जगह व्लॉग बस। अब मैंने कहा था ना कि इसकी गाड़ी में मेरे एयरपोर्ट रह सकते हैं, ये देखो ये भाई लेके आए हैं, इन भाई को मिल गया गाड़ी में, जब मैंने देखो फोन किया था तो मैंने और क्या बोला, लेकर आया ना तू, आज ही मिल गया अभी, अच्छा दोस्त है तू मेरा, तो ढूंढ के लाया, गुड बॉय, अल्लाह मेहरबान है भाई मेरे ऊपर, अल्लाह तो वाकई में मेहरबान है, लेकिन भाई अभी अपना काम कर लेते हैं, वरना अल्लाह भी उम्मीदें छोड़ देगा, मैं कोई योगा कर लेने दो पहले। देखो भाई लोग योगा तो हो गया, लेकिन एक चीज योगा में नहीं थी जो मेरे को बहुत दिन से करने की इच्छा थी, वो है हेड स्टैंड। अब मेरे से होता नहीं है, लेकिन मैं इस दीवार के सहारे करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। पहले भाई ये सही कर लेते हैं, मेरे एब्स वैब्स दिख गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे फैमिली पैक पाल रखा है अपन ने, चलो नाउ वी आर रेडी, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मैं ये तकिया रखेगा भाई, सिर दुखता है। Why are we still here? हो गया भाई, भाई लोग हो गया, बट आई डोंट नो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, पता नहीं है। अभी आई थिंक मैंने सिर्फ हाथ और पैर और कुछ मिला के बस कर दिया है, नहीं इसके बारे में सोचना जरूर पड़ेगा अपने को। भाई कुछ भी बोलो, किचन में भी बहुत प्यारी लाइट आती है, मतलब एक ये हो गया, एक वो वाला रूम हो गया और एक दादी वाला रूम हो गया, अभी भी वो दादी वाला ही रूम है, चाहे कुछ भी करो। तो ना भाई अब अपन आ जाते हैं नाचे, लेकिन एक बार मेरे कहने से ना तुम ये देख लो, ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ब्लैक पैंथर वाला नहीं, एकदम। आई एम मार्वल फैन भाई, मेरे को डीसी नहीं पसंद, बैटमैन बहुत ओवररेटेड चीज है, मैं सही बता रहा हूँ, ये डीसी वाले हैं इसलिए मैं ये लाइन बोली गई है सिर्फ, लेकिन ओवररेटेड है। तो एनीवेज मार्वल जिंदाबाद, हेल हाइड्रा, नहीं हाइड्रा तो गलत आदमी है, नहीं गलत आदमी हो। जय टोनी बाबा की, नहा के आ जाते हैं पहले, ठीक है बाय।
हाँ अब ठीक है। तो शेव किया और नादू लिया, और शेव करने से भाई मैं कम शेव में बहुत स्मार्ट दिखता है, मतलब ओ हो खुद पे क्रश आ जाता है भाई, इतना स्मार्ट लगता हूँ मैं शेव में। अब देखो जब तक मैं नहाने गया हुआ था तब तक कृष्णा बोला कि भाई पोहे बना लेते हैं। मैं भाई तू जाके ले आ पोहे, बनाएगा इतनी मेहनत करके सब, जाके लेके आ जा। तो फिर वो पोहे जाके लेके आ गया। तो अब हम बाहर से भी ला रहे हैं तो भी भाई पोहे ही ला रहे हैं, मतलब सोचो इतना वो, अब तो सपने भी भाई पोहे से बाहर नहीं आते मेरे को। और तुम देख सकते हो भाई ये पोहे कितने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। नहीं अब देखो कल जो मैंने एक वीडियो डाल दिया जिसमें कि मैं काफी ऐसे अपने थॉट शेयर कर रहा था कैमरा के सामने, तो लोग इतने सुंदर है ना जो ये वीडियोस देखते हैं भाई, वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं ना उन लोगों ने, मैं तुमको दिखाता हूँ। और एक बढ़िया अशोक सर है वो इंस्टाग्राम पे, तो मैं उन्हें जानता हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं था कि वो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख लेंगे। तो उनका भी कमेंट आया, फिर उनको मैंने थैंक यू बोला इंस्टाग्राम पे, तो उनका भी मैं तुमको सुनाता हूँ उन्होंने वॉइस नोट क्या भेजा भाई मेरे को। तो उन सब चीजों की वजह से मैं अकेला नहीं हूँ भाई, अपने पीछे पूरी खड़ी है जनता खड़ी। तो इसलिए आज ब्लॉग की एनर्जी अल्टीमेट आई है, समझ रहे हो ना। तो ये देखो भाई लोग, ये थे कमेंट्स और तुम इसको रीड कर सकते हो स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। कितने सुंदर कमेंट है भाई। और मैं अब तुमको है ना अशोक सर के वॉइस नोट सुनाता हूँ भाई, ये सिर्फ मेरे काम नहीं तुम्हारे भी काम आ सकते हैं, मतलब इतना उससे बोला उन्होंने कि पूरा मोटिवेशन बूस्ट कर दिया भाई। गुड मॉर्निंग ऋषि, बस एक ही चीज है जो तुमको रोक रही है और वो तुम्हारे अंदर का विश्वास, अपने ऊपर डाउट, उसको बस जीतने मत देना। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, औरों के साथ होता है, सबके साथ होता है, लेकिन अपने आप को बताना है कि मैं हूँ, मैं करूँगा और मैं छोड़ने वाला नहीं। द की टू सक्सेस इज जस्ट नॉट गिविंग अप, कुछ भी हो जाए, कैसा भी टाइम हो, गिव अप नहीं करना है। गिव अप करा तो खेल खत्म। और वही है एक चीज जो बाकी लोगों से आपको अलग बनाएगी कि आप गिव अप नहीं करते। बाकी बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। और भाई ये वाला तो सबसे बेस्ट है, सुनना। पता है तुम सबको तोड़ दोगे और फोड़ दोगे, ऐसी क्वालिटी है तुम्हारी। अगर तुमने गिव अप नहीं करा, ट्रस्ट मी दिस इज फॉर श्योर बना, तो करते रहो और फोड़ते रहो सबको। What a wow. तो भाई मैं बहुत शानदार प्लेटर मंगवाया था, हुमस प्लेटर, और अब ये इसकी बची हुई लैटिस खा रहा है। कसम से बहुत ही टेस्टी होता है भाई हुमस, मैंने एक दो बार ही खाया है बट अब मैं रोज खाएगा, और बहुत प्रोटीन भी होता है मैंने सुना उसमें, होता है ना। तूने नहीं खाया साले झूठे। बट एनीवेज अब मैं ये डब्बे सेव करेगा, मैं मिडिल क्लास आदमी है भाई, इसको मैं धोके इसके अंदर दूसरी चीजें डाल के फिर मैं फिर से खाएगा। और यहाँ पे साबूदाने की तैयारी चल रही है, मेरे को भूख लग नहीं रही है क्योंकि भाई इतना बड़ा प्लेटर खा लिया तो आप कहाँ से भूख लगेगी। और ये भाई साहब बाहर से खाने को बोल रहे हैं, मतलब इसको बाहर का खाना है सिर्फ, और इसका वजन भी नहीं बढ़ता भाई। मैं कसम से तेज सांस भी ले लूँ ना तो मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मेरे को एक्स्ट्रा पेट लेके घूमना पड़ता है। और यहाँ ये और सुमित दबा के खाते हैं भाई, बाहर का दबा के, इनको कुछ नहीं होता पता नहीं कैसे। बट एनीवेज भाई इस वीडियो के लिए इतना ही है, सुबह से एक तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि व्लॉग करूं। कल अपन ठीक करेगा हेलमेट और गोप्रो, समझा ओए हीरो, वो कल जुगाड़ बिठाना है पक्का से, तो वो करके फिर कल तुमको बढ़िया पीओवी वीडियोस दिखाएंगे, तुम देखना यार।